श्री कृष्ण भगवान की। मैं आपको राजस्थानी नेहड़ा सुनाता हूँ। एक दिन मैं कोटपुतली चौराहा से निकल करके कॉलेज की तरफ जा रहा था। एक लड़की कॉलेज से निकली, मैंने उसका रंग राव पैराम देख करके और कहने लगा, देख कलयुग की कैसी भावना है, तो किस प्रकार से जा रही थी और किस प्रकार से हम खड़े खड़े बात कर रही थी। अरे सिर पर लाल टोपी स्कूल की सुन ले, इस स्टूडेंटर ऊंची ऊंची ये डिजनस की पहरा वही ची पैंट, अरे तेल फुलाल लगाया सुकंद जब मार रहे हो सेंट, ओ छोरजनी मेवा की डाले को ना दे माता को डालो। माता को जाड़ो कुर्ती पैरा जी काले, मोरणी सी रोड माल चाल रही थी चाल, बे माता भी रूप दियो के करगी देख कमाल, अर लामी लामी नाड़े दी खजा भूरा भूरा जाल, ओ पड़ोसी देख रया माले जब या ना को ना पाड़ो। को लाग तो ना जाड़ो कुर्ती पैरा जी काले, न्यारी न्यारी खोपड़िया का नारा देख विचार, रूप गजब को गोलो दिख सो ब्याह परम पार, अरे असी सोवनी छोरी जानी लक्ष्मी डाली नू अवतार, ओ डावना चूके छे अरे चाहे पतलो गात को मारो। देखिया जबरती नहीं छो खोटर, उसी टेम में बोला जागी जानी पर्वत जितनी अरे मांग काट वो भूल राखी लाल कर लिया होट,
ओ बात या चलती मतवारे चाहे लाज बात को गाड़ो दी की बावड़ा सुनियारी देख मरोड़ बे माता भी बना दिया चनारा न्यारा जोड़ अरे चाल रही थी बावड़ा दो हाल बतायो रोड़ ओ मालिक करता वे रखवाले देखे बात चले करता लो चले बादल देखे उगाड़ो तुड़ती पै चलती हुई को देख करके आप सर में बातें करवा लगा। बोलो यार संसार है ये कलयुग की भावना है आजकल ऐसा ही पैरान चल रहा है। जब चलते चलते रास्ता में एक नौजवान तग्गा खाती जा रही थी, मैंने कहा भाई क्या होगा। बोलो भाई साहब मैं तो बीमार हो रही हूँ। ये तो मुझे तुमने डिजाइन तो ऐसा बना रखा है जैसे तू बीमार नहीं हो। बोलो भाई मैं तो बाबा के जाऊं सुर बाबा के जाबा से कि थोड़ा थोड़ा रोग कटो से नहीं तुम्हें साहब की उम्र दुखी भाई। चलते चलते बाबा के पहुंच गए जाती। हाय बाबा मरी बाबा ये दुख रहा है ये दुख रहा है। बाबा गुफा से निकला। बाबा को देख करके मैंने सोचा बाबा तो पहुंचवान है। मैंने कहा बाबा इसके ऐसा झाड़ा दो जिससे ठीक हो जाए। बोलो भैया इसका साबित जिंदगी में ऐसा ताबीज भर दूंगा जो कभी दर्द ही घूम जाना। बाबा जी झाड़ा दिया नौजवान सही होगी। उसकी शक्ति देख करके मैं नौजवान से खड़ा होकर के कहने लगा तो किसी प्रकार से कह रहा था और कैसे वो मेरी बातों को सुन रही थी। ओ भजन करा जाओ छोरी तेरे भजन करा जाओ छोरी तेरो दुख काटे गो बाबा जी। भजन करा जाओ छोरी तेरो दुख काटे गो बाबा जी। करा जाओ गोरी तू भजन करा जाओ छोरी तेरो दुख काटे गो बाबा जी। भजन करा जाओ छोरी तेरे गालन पर क्या मंडवाया तेरे गालन पर क्या मंडवाया का निशान लगाया नीमू का निशान लगाया। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। अरे बोलो तो नीमू का निशान है हमको ये काहे को काम आओगा। चूख मरे गो बाबा जी। बदन करा जाओ छोरी तेरो दुख काटे गो बाबा जी। क्या मंडवाया तेरी अंगिया पर क्या मंडवाया तेरी अंगिया पर क्या मंडवाया। जैसे अनार का पेड़ लगाया जैसे अनार का पेड़ लगाया। मैंने कहा ये क्या काम आएगा। बोले अनार पक रहे हैं। पेट भर गो बाबा जी। बदन करा जाओ छोरी तेरो दुख काटे गो बाबा जी। बदन करा जाओ छोरी तेरो दुख काटे गो बाबा जी। तेरा काम बहुत बढ़िया है।
जो बाबा जी की खाने पीने की चीज है वो सारा की सारी अपने शरीर पर मंडा रखी है। नंबर तीसरा में मैं कहने लगा कि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है जो मैं क्या कह रहा था, ओ तेरे लहंगे पर क्या मंडवाया, तेरे लहंगे पर क्या लगाया, राम तलाई निशान लगाया। अरे मैंने कहा ये क्या बोल रही है तू, मैं बोली ठीक है बाबा जी स्नान भी तलाई में ही तो करता है। डूब मर गो बाबा जी भजन कराता हो, पर क्या मंडवाया, तेरी जूतन पर क्या मंडवाया, राम नाम ते और लिखाया, राम नाम ते और लिखाया, राम नाम ते और लिखाया। फिर मेरा पग तू पे गो बाबा जी बदन करा दा हो थोड़ी, तिलक करे गो बाबा जी बदन करा दा हो थोरी, तेरे दुख काटे गो बाबा जी बदन करा दा हो थोरी, दुख काटे गो बाबा जी बदन करा दा हो थोरी, दुख काटे गो बाबा जी बदन करा दा हो थोरी। मैं देख करके बाबा की कला, और मैंने कहा कि भैया तू तो भगवान का भजन किया कर, और बाबा की जितनी भी जो चीज है सब अपने शरीर के ऊपर मंडाया कर, क्यों बाबा जी भी मंगन हो जाएगा और तेरा भी जन्म जन्म का रोग कट जाएगा।